एक माह में आबकारी विभाग की शराब बिक्री में 25% तक बढ़ोतरी हुई है। देशी शराब की बिक्री में 5% कमी आने के बाद भी 32 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। गौर करने वाली बात यह है कि ये एक माह का समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दौर रहा। जिले में देशी शराब की 40 दुकानें संचालित हैं। इसी प्रकार विदेशी शराब की 28 दुकानें संचालित हो रही हैं। पिछले 1.5 माह से पंचायत चुनाव पूरे शबाब पर रहा। इस दौरान देशी विदेशी शराब की जमकर बिक्री दर्ज की गई। हालांकि आबकारी विभाग का मानना है कि पिछले साल इसी अवधि की तुलना में देशी शराब की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद एक माह के भीतर देशी शराब की बिक्री में 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ विदेशी शराब व बियर से विभाग को 25 करोड़ रुपए की आय हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में देशी शराब की लोकप्रियता बरकरार रही, वहीं गांव में शराब पीने वालों की पहली पसंद देशी शराब है। ग्रामीण इलाके में इस बार पंचायत चुनाव के दौरान युवाओं में बियर का चलन अधिक रहा। युवाओं में धीरे धीरे बियर पीने का चलन बढ़ रहा है। जिले के ग्रामीण इलाके में पिछले एक माह में देशी विदेशी शराब की खपत में इजाफा हुआ है। इससे विभाग को अतिरिक्त आय हुई है।